इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग, चरण सरोज पखारन लाग आनंद। क्यों? देखिए ना भाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम ये चरण गंगा जी निकसी, रघुवंश की चार पीढ़ियों की तपश्चर्या पर गंगा जी स्वर्ग से धरती पर आने को तैयार हुई। आते आते शंकर जी की जटा में समाई, एक जटा बाबा ने छोड़ी। जटा शंकरी नाम परियो है, त्रिभुवन तारन आई आई नहीं आई आई असोई चरननी केवट धोई लीन हो, तब प्रभु नाम तब हरि नाम चढ़ाई। ये लीजिए, केवट जी ने कब चढ़ाई नाव? जब चरण धोकर ले लिए। जिन चरणों को ब्रह्मा जी धोए, कमंडलू में पधराए, भगीरथ महाराज मांगलाए, मैया को शिव जी के शीर्ष चढ़ी, कितने बड़े भाग्यशाली हैं केवट जी। वो गंगा जल से कठौता में सरकार के पांव पखार रहे हैं। कोई तुलना है? सौभाग्य की तुलना है? ये भक्ति पथ है, आप लिख नहीं सकते। भक्ति पथ में मिलने वाले सौभाग्य को आप पुस्तकाकार नहीं कर सकते। इसलिए तो देखे विशेषण, अति आनंद उमंग अनुराग चरण सरोज पखार लाग। केवट जी के सौभाग्य पर देवता आकाश से आनंद कानन के पुष्पों की वृष्टि करते। ओहो, मेरे को तो कहते नहीं बनता है, समझते बनता है। कहत कठिन समझत कठिन, क्या सौभाग्य पाए जी। उनके सौभाग्य का दर्शन करके देवता पुष्प की वृष्टि करते कह रहे हैं, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, क्यों एही सम पुण्य पुण्य को नाही, एही सम
केवट जी के समान पुण्य गुच्छ कोई नहीं है। कोई नहीं है। ऐसा कौन सा पुण्य है? जगदीश, हर उर पद सरोज सरजेई, भगवान शिव के हृदय रूपी सरोवर में जो चरण कमल बन करके खेलते हैं, अहो भाग्य में देखियहुं तेई। जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, तिन चरणन अब देखियहुं इन नयनन थे जाए। इन नयनन अब जाए। इन नेत्रों से विभीषण जी कहते हैं, अरे जिन चरणों को योगेंद्र मुनिंद्र हृदय में पधराते हैं अपने, उन्हीं चरणों को देखूंगा। और केवट जी को वो चरण ऐसे सुलभ हो गए। कैसे हो गए? भक्ति के कारण। आज हम टेलीविजन पर प्रेम भूषण जी द्वारा गाई गई कथा सुन रहे थे। 3 घंटा पहले सुनत है, फिर शाम को आपको आके सुनाते हैं। सुनिए, तो महाराज कह रहे थे कि देखो भैया, और सब मार्ग बहुत हैं, लेकिन सरल है भक्ति मार्ग। भक्ति करो, ज्यादा खटकर्म में पड़ो नहीं। भक्ति क्या है? अतो सुतंत्र है, सभी गुणों की खान है, उपमा रहित अनुपम है, कोई तुलना नहीं। क्या करना? भगवान की पूजा करो, भगवान का श्रृंगार करो, भगवान की सेवा करो, मंगल आरती करो, भोग लगाओ, पाओ, जो कुछ परिवार में है सब भगवान की कृपा मान के चलो। आपकी जय जय होगी। यही करो, और भगवान को छोड़कर कहीं मस्तक नवाना नहीं। ई बाबा ऊ बाबा ई ढाबा व्यर्थ की बात। केवल भगवान, भगवान को छोड़कर कहीं जाना भी नहीं। केवल भगवान, देवताओं का पूजन हो और भगवान का भजन दर्शन हो। भटको नहीं, न भटको न अटको न लटको, भजन करो। किसका? भगवान का। करते रहो भजन धीरे धीरे, आदत आदत बने। भजन में ही मन नहीं लगता है, मन को तो भैया लगाना पड़ता है। ये लगता नहीं है, इसको लगाना पड़ता है। मन कहाँ रहता है पता लगाइए, लेकिन लगाना पड़ता है। बच्चों को छूट नहीं होनी चाहिए कि अभी बच्चा है, अभी बच्चा है तभी करेगा, बड़ा होगा तो का करेगा। जिनके बड़े हैं वो जानते हैं, हमारा तो पुजवे नहीं करता है, पुजवे में नहीं बैठता है, हवन में नहीं बैठता है, पहले बैठाया नहीं, अब वो बैठता नहीं। कल विनय भैया बता रहे थे परसों, कौन भैया थे, उनकी बहू ने कहा मेरे को भी कथा मिले चलो। सुशील जी क्या? बबलू, बबलू उनकी बहू रानी ने कहा कि आप प्रकाश भैया मुझे भी कथा मिले चले। गुरुजी ने कहा बच्चे कथा सुने तो मेरे को खुशखबरी है, ले चलूं, ले चलेंगे तो वो जो आने वाले हैं वो भी कथा सुनेंगे। ये श्रद्धा है। अंक में संतति हो, कथा सुनो। और मैं आपको निवेदन करूं, मैं तो जिस कथा में जाता हूं ना, तो सबसे कहता हूं बच्चों को लेके आओ, बच्चों को लेके आओ।
लोग कहते हैं बच्चे नहीं आने चाहिए। अमेरिका गए थे तो वहां लिखा था चिल्ड्रंस नॉट अलाउड। मैंने कहा फाड़ के फेंको, माफ करिएगा थोड़ा सा विनोद है लेकिन कड़वा है। जानते हैं समस्या क्या है? समस्या वो है कथा वो सुनते हैं जिनकी कोई घर में नहीं सुनता है, तो ये कथा का क्या लाभ होगा है? अब जैसे हमने चौपाई सुनाया, प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु तो 70 साल का कोई कथा सुन रहा होगा तो उसके तो माता पिता ही नहीं, तो किसको नवाएंगे? इसलिए जिसको करना है उसको कथा सुनना है। हम घर पर रहते हैं, बच्चे दिनमा भर प्रणाम करते, कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, सो गए थे, उठे तो सोचा कि आपको प्रणाम कर लें। अच्छा अच्छा, खूब खुश रहिए, आशीर्वाद। विद्यालय से आए प्रणाम करेंगे, विद्यालय जाए प्रणाम करें, काहे? कथा सुने सुने तो उनके दिमागे में भर गया है कि प्रणाम करे से भाग्योदय होता है, तो करने लगे। अब जिसको सुनना है करना है वो सुन नहीं रहा है, और जो सुन रहा है उसकी कोई नहीं सुन रहा है। एक कथावाचक लोग तो समस्या खड़ी कर देते हैं घर में, क्योंकि व्यवहार में नहीं आएगा तो लाभ क्या होगा? मेरी आपसे प्रार्थना है, इसलिए आग्रह पूर्वक कहता हूं, घर में मानस को जोर जोर से अर्थपूर्वक पढ़िए। मास्टर जी छोटे भाइयों को नहीं, बड़े भाइयों को पढ़ाते हैं, बड़ी बहनों को पढ़ाते हैं, तो उनकी पढ़ाई छोटे वाले याद कर लेते हैं। और यदि अभ्यास में आ जाए तभी भैया कथा सफल है। विभीषण जी को हनुमान जी ने केवल कुछ देर का सत्संग कराया था, तब हनुमंत कही सब राम कथा निजना, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे। और विभीषण जी भगवान की शरण में आ गए। चूकिए मत, जहां जाइए सुनाइए, जो मिले उसी को पकड़ के सुनाइए। देखिए सत्संगी का काम है जो हम जो मिले उसमें सत्संग की कुछ रस भर दे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।